नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं भगवान शंकर, मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने कहा। जमीयत उलेमा ए हिंद फैजाबाद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के एक बयान से विवाद पैदा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान सनातन धर्मी हैं और हिंदुओं के देवता शंकर और पार्वती हमारे भी माँ बाप हैं। इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने यह बयान बुधवार को अयोध्या में दिया है। दिल्ली के भाजपा नेता वत्स पर यौन शोषण का मामला। शकूर बस्ती से हाल में विधानसभा चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता एससी वत्स के खिलाफ एक महिला से छेड़छाड़ और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मौर्य इनक्लेव थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में 33 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वत्स ने उससे उस समय कई मौकों पर बलात्कार किया जब वह संस्थान में काम करती थी। अलकायदा का नाम बदलना चाहता था ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने कहा है कि वैश्विक आतंकवादी संगठन के तौर पर अलकायदा की पहचान से निराश इसका प्रमुख ओसामा बिन लादेन संगठन का नाम बदलना चाहता था ताकि इसे इस्लाम के और करीबी के तौर पर देखा जाए। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोस अर्नेस्ट ने एबटाबाद ठिकाने से मिली गुप्त जानकारियों के आधार पर बताया कि लादेन को ऐसा लगा था कि इस तरह से उसे भर्तियाँ करने में भी मदद मिलेगी। मैं क्यों कहूंगी कि मेरी हार हुई है, किरण बेदी ने कहा। भाजपा नेता किरण बेदी अपने इस रुख पर कायम है कि जितने दिन उन्हें मिले और जो परिस्थितियां थीं उसके बावजूद उन्होंने जो प्रयास किए उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव में उनकी हार नहीं हुई है, लिहाजा मैं क्यों कहूंगी कि मेरी हार हुई है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब राज्य भाजपा नेताओं का एक वर्ग यह कह रहा है कि चुनाव में सिर्फ 3 हफ्ते पहले पूर्व IPS अधिकारी को पार्टी में शामिल करना गलत कदम था। पत्नी या प्रेमिका साथ नहीं रख सकेंगे भारतीय क्रिकेटर। विश्व कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं, लेकिन BCCI के एक निर्णय ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया है। दरअसल खिलाड़ियों ने BCCI से विश्व कप के दौरान अपनी पत्नी या प्रेमिका को अपने साथ रखने की मंशा जाहिर की थी, मगर BCCI ने उनकी बात मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। BCCI के मुताबिक जब तक भारतीय टीम का सेमीफाइनल टिकट पक्का नहीं हो जाता यह प्रतिबंध जारी रहेगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।